सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये मेरे पास में ये हमेलिया का प्लांट रखा हुआ है। असल में मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि मैंने हमेलिया की जगह आज चेंज की, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये मेरे गार्डन का गेस्ट है, ये फ्रेंडली पेस्ट है और ये लेडी बग है और ये जहाँ जहाँ चींटियाँ जाती हैं तो वो एफिड्स होते हैं और ये लेडी बग जो है ये उनको खाने का काम करती है। और मेरे यहाँ मैंने कई जगह देखे हैं, मतलब अभी जैसे शेवंती में भी हमारे यहाँ चींटियाँ लग रही हैं और शेवंती में भी एफिड्स लग रहे हैं, तो वो जितनी भी लेडी बग हैं ये एफिड्स को ख़त्म कर देती धीरे धीरे। तो इस तरीके के कभी कीड़े आपके घर में आपको दिखे ना तो इनको भगाइए मत, ये बहुत सारे रंगों में होते हैं। और ये जो है, अपने टॉपिक पर आने से मैंने सोचा मैं आप लोगों को इससे मिलवा दूं, तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर। फ्रेंड्स, मैं आज अपने लोटस की सफाई कर रही थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूं। कई बार मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि लोटस तो हम घर में लगाना चाहते हैं लेकिन उसमें जो कीड़े और मच्छरों के लार्वा हो जाते हैं उससे आप कैसे निजात पाएंगे, वो तो घर में बीमारियों का कारण हो जाती है। तो देखिए, आज के समय में बहुत लोग बहुत पॉपुलर हो गया है कि लोग घरों में लोटस लगाने लग गए हैं। तो लोटस में क्या रहता है, एक तो ये इस तरीके का, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे एल्गे फॉर्म होने लगते हैं, ये काई है, इसकी सफाई करनी पड़ती है, हैं। और इसको सफाई करने का मैं एक आपको तरीका भी बताऊंगी। ये तो हम मैनुअली सफाई कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक तो एल्गे होते हैं, दूसरा मच्छरों के लार्वा भी होते हैं और तीसरा जो है कुछ इसमें कीड़े भी पनप जाते हैं कि हम यदि चाहें कि हम इसमें हाथ डाल के काम करें तो नहीं हो पाता। लेकिन ये मेरे सारे टबों में नहीं है, ये आपको मेरे एक टब में ज़्यादा दिखेगा, इसमें ज़्यादा दिखेगा क्योंकि अभी काफ़ी समय हो गया, मैंने इसकी सफाई भी नहीं की है और इसमें मैंने कुछ ऐड भी नहीं किया। देखिए, अभी मैं इससे सफ़ा कर रही हूँ तो ये निकल भी नहीं रही है, तो ये इस तरीके से ये जम गई है। तो ये जो है, ये देखिए, तो इसको साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि मैंने तो वो बना के रखा है लिक्विड, ये देखिए, ये है वो लिक्विड। मैंने क्या किया है, इसमें नीम की पत्तियों को काट के और उबाल दिया है मैंने, और उबालने के बाद में इसको एक दो दिन वैसे ही छोड़ दिया और फिर उसको छान के मैंने उसमें जो है थोड़ा सा नींबू निचोड़ के और मैंने इसमें भर लिया बॉटल में। तो आप जहाँ कहीं भी आपको कड़वी नीम का पेड़ दिखे तो उससे पत्तियाँ आप तोड़ लीजिए और इस तरीके का एक लिक्विड आप बना लीजिए। तो और उसमें कोई प्रमाण नहीं है, आप जितना भी चाहें, और कम से कम उसको कढ़ाई में आप उबालिए, कम से कम ढाँक के उबालिए और उसे कम से कम 20 से 25 मिनट 30 मिनट तक आप उसे ढाँक के उबलते रहने दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। जब उसके सारे वेपर्स नीचे सेटल हो जाएं तो उसको एक दो दिन रहने दीजिए और फिर उसके बाद में आप उसे छानेंगे तो उसका कलर इस तरीके का होगा। और उसके प्रिजर्वेटिव देखिए, उसमें क्योंकि कीड़ा ना लगे इसलिए आप उसको छान के भर के इंसेक्टिसाइड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें आप आधा नींबू का रस निचोड़ लीजिए, इस समय नींबू काफ़ी आ रहे हैं बाज़ार में तो आप निचोड़ लीजिए। तो आपको करना क्या होगा मैं आपको बताती हूँ, हमें इसमें दो चीज़ें ऐड करनी है, एक तो वो चीज़ जो कहना चाहिए अंदर के लार्वा मार दे। तो ये इतना बड़ा टब है, इसमें कम से कम 10 से 15 लीटर पानी मेरे ख्याल से इसमें होना चाहिए। तो इसमें हमें सबसे बड़ी चीज़ जो हमें करनी है कि आप इस तरीके का लिक्विड बना लीजिए और इसमें आप जो है ये देखिए एकदम से, और एक ढक्कन के करीब जो लिक्विड है ये आप इसमें ऐड कर दीजिए, ऐसे वो सब तरफ फैल जाएगा, एक ढक्कन दो ढक्कन, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, नुकसान नहीं करेगा, ये करेगा ये कि मच्छरों के लार्वा को ये किल कर देगा। और ये देखिए यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ, अब वो तो इंसेक्ट्स चाहे जहाँ है जहाँ भी फैलेंगे। एक तो ये आपने डालना है,
ठीक है। और इसी तरीके से सब में डाल देने हैं आपको, एक एक ढक्कन आप डालें, एक दो ढक्कन, ये नुकसान नहीं करता और आप इसे प्रिजर्व कर सकते हैं। पौधों में भी आप स्प्रे कर सकते हैं, ये नुकसान नहीं करता। दूसरा, मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि इको एंजाइम किस तरीके से बनाना है, तो ये मेरे पास केले की छिलके की इको एंजाइम है। अब ये इसका काम भी मैंने आपको बताया था कि ये जो जितने भी पॉल्यूटेंट्स रहते हैं उनको ख़त्म करके ये ऐसे माइक्रोब्स पैदा करते हैं कि जो पानी की सफाई कर देते हैं। तो इसका मैं आपको बताऊंगी, इसका रिज़ल्ट मैं पहले आपको दिखा दूं। मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने एक लोटस में ऐड किया था, ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे इसका पानी एकदम साफ़ है, देखिए बिल्कुल साफ पानी है। इसमें पत्ते सिर्फ इसके भीगे हुए हैं, थोड़ी सी काई आपको चारों तरफ दिख रही होगी, बाकी इसमें ना तो लार्वा है और ना ही किसी प्रकार के लार्वा होते हैं, तो ऊपर उछलते हुए दिखते हैं, देखिए किसी प्रकार के कोई लार्वा नहीं है। और अभी मैं फिर इसमें ऐड कर दूंगी वो इकोजाइम, तो इसके अंदर के जो पत्ती खाने वाले तो ये ऊपर वाले कीड़े होते हैं तो वो भी मर जाएंगे, और अंदर जो बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं जो बदबू पैदा करते हैं या गंदगी पैदा करते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। इसमें मैंने डाला था लेकिन उसमें शायद अब असर काम हो गया क्योंकि उसमें काफ़ी दिन हो गया, इसमें अभी तक है। और मैंने जो वाटर लिली लगाई थी उसमें भी असर दिख रहा है उसका, मैं दिखाती हूँ आपको, छोटे छोटे कीड़े आपको दिख रहे होंगे किनारे किनारे में, देखिए ये ऊपर आ रहे हैं, तो इनके लिए भी मैं आपको दिखाती हूँ डाल के। ये देखिए इसी तरीके से हम थोड़ी सी जो एंजाइम है, सॉरी ये नीम का है, नीम का जो पानी है हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, इतना, एक ढक्कन काफ़ी होता है, और एक ढक्कन के करीब ही हम इसमें एक तरफ एंजाइम ऐड कर देंगे, ये देखिए, क्योंकि ये करीबन ये 10 लीटर पानी होगा तो हमें एक ढक्कन डालना है बस, ज़्यादा नहीं डालना है। तो ये 24 घंटे में अपना काम दिखा देगा, असर दिखा देता है ये, और मैंने कुछ दिन पहले ऐड किया था। बस आपको करना ये है कि ये नीम का जो लिक्विड है आप बना के रख लीजिए, स्टोर करके रख लीजिए, अपने आप प्लांट्स में भी स्प्रे कर सकते हो, और इसमें जो है आप 1 in 10 days आप उसको डालें तो आपके यहाँ मच्छर वगैरह कुछ नहीं होंगे और आप अपने प्लांट्स को भी एंजॉय कर सकते हैं और अपने घर में मच्छरों से मुक्त वातावरण भी पा सकते हैं। यदि आप इनके ऊपर स्प्रे भी करेंगे तो भी मच्छर के लार्वा ख़त्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपकी क्वेरीज़ का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।